आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। आपने देखा 30 जनवरी को, दो दिन पहले, कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है कि इनका बस चले, इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हां वाले हां कहें, ना वाले ना कहें, हां वालों की जीत हुई, जीत हुई, जीत हुई, चलो 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 चलो, हद है यार, हद है यार। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी ता आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार। तो फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी, क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी? क्या 22 साल की उम्र में इस वोट के अधिकार के लिए हमने रस्से चूमे थे फांसी के? उनकी आत्मा तड़पती होगी भाई साहब। ये वोट है यार, कमाल है। हम किसी के हाथ में ऐसे देश नहीं दे देंगे। अगर किसी नदिया के किनारे ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होंठ दो बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सत्य, सटीक, बेबाक,